हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का 30 नंबर क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत चैप्टर हमारा चल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आज अपन 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगी, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में इनको लेट करते हैं किसी के बराबर। जैसे कि अपन ने लेट कर लिया कि ये जो प्रोसेस है वो पीएन के इक्वल है। किसके इक्वल है? पीएन के इक्वल है। तो माना कि दिया गया कथन है जो पीएन इज इक्वल टू, ये प्रोसेस होगी 1/ में, यहाँ पे ये 1+ में। क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। 1+ में 3/ में 1, ये प्रोसेस है 1+ में 5/ में 4, और ये है 1+ में 7/ में 9 डैश डैश डैश, और ये प्रोसेस हो जाएगा 1+ में 2n+ में 1/ में n का स्क्वायर है। ये प्रोसेस है 2n+ में 1/ में n का स्क्वायर, यहाँ पे n का स्क्वायर है नीचे, n का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n+ में 1 का होल स्क्वायर, n+ में 1 का होल स्क्वायर है। ये अपन ने लेट कर लिया कि ये प्रोसेस है। अब अपन करेंगे जब n बराबर 1 हो तो हमारे पास में प्रोसेस आएगा p1 इज इक्वल टू, ये देखो 1+ में 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और 4 को अपन ये लिख सकते हैं क्या, 1+ में 3/ में 1, 1+ में 3/ में 3 में 1 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 1+ में 3, 1+ में 3 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो अतः दिया हुआ कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। लिखेंगे अतः दिया हुआ कथन n इज इक्वल टू वन के लिए क्या है, के लिए सत्य है। n इज इक्वल टू वन के लिए सत्य है, अर्थात पी फर्स्ट इज इक्वल टू राइट। पुनः माना कि दिया हुआ कथन n इज इक्वल टू के लिए सत्य है, राइट है, सत्य है। अगर ये राइट है तो हमारे पास में ये प्रोसेस आ जाएगा पीके। किसका प्रोसेस? पीके इज इक्वल टू, ये आएगा 1+ में 3/ में 1+ में, प्लस नहीं है बीच में, मल्टीप्लाई है एक तरीके से, तो 1+ में 5/ में 4, ये आएगा 1+ में 7/ में 9 डैश डैश, ये प्रोसेस आएगा 1+ में 2n+ में 1/ में n का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब n की जगह अपन को k पुट करना है, तो k पुट कर दीजिएगा, ये k है, ये k का स्क्वायर, ये प्रोसेस हो जाएगा k+ में 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब n इज इक्वल टू k+ में 1 हो तो ये प्रोसेस क्या आएगा, p k+ में 1 इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1+ में 3/ में 1, 1+ में 5/ में 4, और 1+ में 7/ में 9 डैश डैश, आगे चलेगा 1+ में, ये देखो एक बार तो 2k आएगा, 2k+ में 1, और नेक्स्ट स्टेप इसका देखिएगा क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप इनका आ जाएगा 1+ में 2, और ये होगा k+ में 1, प्लस में यहाँ पे 1 है,
और ये होगा के प्लस में वन का होल स्क्वायर। दैट इज क्लियर, ये प्रोसेस आ गया। तो देखिएगा इनको अपन एक तरफ रख लेते हैं, जैसे कि ये कंडीशन है, ये प्रोसेस जो मंजले ब्रैकेट में मैंने कंडीशन लिखी है उनको अपन एक नंबर इक्वेशन से k प्लस में वन का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? k प्लस में वन का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो जाएगी, देखिएगा कि p k प्लस में वन इज इक्वल टू k प्लस में वन का होल स्क्वायर प्लस में ये होगा वन प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यही कंडीशन है, भी देख लीजिएगा एक बार, 2k का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का तो k के साथ में जाएगा प्लस में 1 के साथ में जाएगा, इसके साथ में तो मल्टीप्लाई है नहीं, तो 2k प्लस में 2 प्लस में 1, तो 2k प्लस में 2 प्लस में 1। ऑल राइट, अब यहां से देखिएगा क्या प्रोसेस आता है। ये तो मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस क्यों कर दिया? मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, यहां पर प्लस कर दिया गया, ये प्लस नहीं है अभी, ये देखो इन सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये यहां पे मल्टीप्लाई ही रहेगा, डॉट रहेगा। अब यहां पर भी आपको डॉट लगाना है। अब इनका एलसीएम ले लीजिएगा आप इनका एलसीएम लोगे तो के प्लस में वन तो बाहर है, इनका एलसीएम ले लिया तो इनका एलसीएम कितना आएगा, k प्लस में वन का होल स्क्वायर आएगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस में वन का होल स्क्वायर प्लस में, यहां से क्या प्रोसेस आएगा, एक बार के लिए इनको रिप्रेजेंट करें कि 2k है, 2k प्लस में वन है, इसका होल स्क्वायर कर दें कंप्लीट का, तो ये वैल्यू आएगा एक बार के लिए कि 2 बाहर है, k प्लस में 1 है, प्लस के 1, इतना प्रोसेस है। अब अगर अपन इन दोनों से k प्लस में 1 को बाहर निकालें, k प्लस में 1 को अगर कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो क्या प्रोसेस आता है, देख लेते हैं। जैसे कि अपन k प्लस में 1 का होल स्क्वायर है, यहां से 2 k प्लस में वन है, अब मैं यहां पे ये लिखूं क्या इनको, k प्लस में वन और प्लस में वन इस कंप्लीट का होल स्क्वायर करूं, यानी a प्लस में b, ये कंप्लीट a, ये मेरे पास में b, अब इनका होल स्क्वायर करता हूं तो a का होल स्क्वायर यानी k प्लस में वन का होल स्क्वायर प्लस में 2 k प्लस में वन इंटू वन प्लस में वन। अब ये प्रोसेस देख लीजिएगा, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, यानी हमारे पास में ये प्रोसेस ऊपर वाली बन रही है क्या? हाँ सर बन रही है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं k प्लस में 1 का होल स्क्वायर और इनको लिख सकते हैं k प्लस में 1 और प्लस में 1 और इस कंप्लीट का क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं अपॉन में k प्लस में 1 का होल स्क्वायर, k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो अपन k प्लस में 1 के होल स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दैट इज क्लियर, ये कैंसिल हो गया तो प्रोसेस आएगा k प्लस में 1 और प्लस में 1 इनकम्प्लीट का होल स्क्वायर। तो अपन इसको लिख सकते हैं k प्लस में 2 का होल स्क्वायर, k प्लस में यहाँ पे 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो k प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अतः दिया गया कथन, अतः जो स्टेटमेंट दे रखा है अपन को वो राइट है। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए क्या है, ऑल द राइट, वो लिख देंगे। अतः दिया हुआ कथन n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है। ये प्रोसेस आ जाएगा आपके पास में पी के प्लस में 1, पी के प्लस में 1 और पी के प्लस में 1, दैट इज क्लियर। आगे जो लाइन लिखोगे वो प्रत्येक क्वेश्चन में जैसे कि अपन पीछे लिखते आ रहे हैं, इसी प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार यह
हम यह कह सकते हैं कि दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या दिया गया है। लेट करते हैं सॉल्यूशन। यहां से देखिएगा माना कि पी एन इज इक्वल टू ये आएगा 1 + 1 / 2 / 1 / 3 / (n = n + 1) जब n इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास में प्रोसेस P1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू आएगा 2। 2 को अपन लिख सकते हैं 1 + 1 / 1 तो लिखेंगे अतः दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य है। जब n = 1 के लिए प्रोसेस चेक कर रहे हैं ना के लिए सत्य है। पुनः माना कि n = k के लिए दिया गया कथन सत्य है। अपने ये मान लिया तो ये प्रोसेस हो जाएगा p k = 1 + 1 / 1 / 1 / 2 / 1 / 3 / (k + 1) इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब n = k + 1 हो तो अपन यहां पे क्या करेंगे p k + 1 = 1 + 1 / 1 / 1 / 2 / 1 / 1 / 3 / (k). इतना प्रोसेस करने के बाद में आगे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 + 1 / k + 1। कितना आएगा k + 1 आएगा। ये यहाँ पे k है तो k + 1 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए जो मैंने बड़े ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है वो एक नंबर इक्वेशन से k + 1 इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाएगा p k + 1 = ये आएगा k + 1 और ये आगे चल रहा है 1 + 1 / k + 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू k + 1 बाहर है k + 1 + 1 / k + 1। तो k + 1 से k + 1 कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहां से अपन इनको कैंसिल कर सकते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा k + 1 + 1 और ये आएगा p k + 1। तो p k + 1 तो ये आ जाएगा k + 2। कितना आएगा k + 2 आएगा। अपन इनको क्या कर सकते हैं p k + 1 कर सकते हैं। यही प्रोसेस था। तो अपन लिख सकते हैं अतः दिया गया कथन n = k + 1 के लिए सत्य है। लास्ट में वही लाइन इस प्रकार गणित आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन है वो n = प्रत्येक n =
नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, मानेंगे सबसे पहले वही कंडीशन करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। माना कि P फर्स्ट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश प्लस, ये कंडीशन होगी 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा n 2n माइनस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में वैल्यू कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है। ये क्वेश्चन है, जब यहाँ पे पी एन इज इक्वल टू लेट करना है, पी वन नहीं पी एन, जब एन इज इक्वल टू 1 हो तो क्या रिजल्ट आएगा। पी फर्स्ट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डैश डैश, ये प्रोसेस होगा, सॉरी ये तो आगे तो लिखना ही नहीं है हमें, तो ओनली फॉर RHS की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ओनली फॉर RHS की वैल्यू तो 1 2 माइनस में 1 2 प्लस में 1 अपॉन में 3, तो 2 माइनस में 1 1 ही आएगा, 2 प्लस में 1 तो ये प्रोसेस आ जाएगा 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1, और इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। पुनः माना कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। ये स्टेटमेंट सत्य है तो अपन लिखेंगे कि P K इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश, ये प्रोसेस होगा 2 के माइनस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K 2 के माइनस में 1 2 के प्लस में 1 अपॉन में 3। इक्वेशन नंबर 1, जब n इज इक्वल टू k प्लस में 1 हो तो क्या प्रोसेस आएगा। p k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश प्लस में 2 के माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में, ये प्रोसेस आएगा 2 के प्लस में 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्लस में चल रहा है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। जो अपन इस ब्रैकेट में मैं कोष्ठक में लिख रहा हूँ वो एक नंबर इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से, अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वैल्यू आएगा P K प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये प्रोसेस अपन लिखेंगे K, ये लिखेंगे 2 के माइनस में 1 2 के प्लस में 1 अपॉन में 3, अपॉन में वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, प्लस में ये प्रोसेस अब चल रहा है कि 2 के प्लस में 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये अपन ने एक नंबर समीकरण से इनको रिप्रेजेंट कर दिया ये वैल्यू। तो ये तो इतना ही रहेगा एक बार के लिख के, 2 के माइनस में 1 2 के प्लस में 1 अपॉन में 3, प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आती है एक बार के लिए चेक कर लीजिएगा इनकी प्रोसेस जो भी है। 2 के प्लस में 2 माइनस में 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस का 1, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया,
इस पूरे में से 2k प्लस में 1 कॉमन आ गया, 2k प्लस में 1 कॉमन आ गया, अपॉन में 3 अपन ने यहां पे ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो ये प्रोसेस आएगा k 2k माइनस में 1, 2k माइनस में 1 प्लस में, यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां पे 3 लगेगा और ये आएगा 2k प्लस में 1, ये प्रोसेस, तो ये आएगा 2k प्लस में 1 अपॉन में 3, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 2k का होल स्क्वायर माइनस में k प्लस में 6 k प्लस में 3, तो ये आएगा 2k प्लस में 1 अपॉन में 3 2k का होल स्क्वायर प्लस में 5k प्लस में 3, 5k प्लस में 3 आएगा। अब इसके फैक्टर करते हैं, इनके फैक्टर कर दो, 2k प्लस में 1 अपॉन में 3 है, इनके फैक्टर करेंगे तो 2k का स्क्वायर प्लस में, 2k का स्क्वायर प्लस में, अपन यहां पे क्या करेंगे 2k करेंगे प्लस में 3k प्लस में 3, ऐसे दो नंबर लेके आने जिनका मल्टीप्लाई 6 हो जाए और ऐड करने पे 5k हो जाए, तो ऐड करेंगे तो 5k हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 2k प्लस में 1 अपॉन में 3, और फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आएगा, इन फर्स्ट दो में से अपन कॉमन लेंगे, 2k कॉमन ले लिया, k प्लस में 1, यहां से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो k प्लस में 1, तो ये प्रोसेस आएगी, ये आएगा 2k, किसके इक्वल चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है p k प्लस में 1 के इक्वल चल रहा है, 2k प्लस में 1 अपॉन में 3, और यहां से एक वैल्यू और कॉमन आ जाती है, जैसा कि k प्लस में 1 कॉमन आ गया, k प्लस में 1 कॉमन आ गया, वैल्यू कितना बच गया 2k प्लस में 3, कितना वैल्यू बच गया 2k प्लस में 3 और 2k प्लस में 1, ये इतना प्रोसेस बच जाता है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं जैसा कि ये कंडीशन है, तो यहां पे अपन ने स्टार्टिंग में तो लिख दिया k प्लस में 1, क्या लिख दिया k प्लस में 1 लिख दिया, अब यहां पे देखिएगा 2k माइनस में 1 है, 2k माइनस में 1 है, अगर अपन ये प्रोसेस करते हैं कौन सी, ये माइनस प्लस वाली, तो ये कंडीशन बनेगी कि 2 तो बाहर है ही, k प्लस में 1 और माइनस के 1, सेम प्रोसेस आई, और ये प्रोसेस हो जाएगा 2 बाहर है, k प्लस में 1, k प्लस में 1 प्लस के 1, दैट इज क्लियर, अरे समझ में आया क्या बताइएगा, इस प्रोसेस को अगर ये सॉल्व करते हैं तो वापस ये प्रोसेस बन जाती है। अपन को तो यहाँ पे k की जगह k प्लस में 1 करना है, k की जगह k प्लस में 1 करना है, तो लिखेंगे अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है, अतः दिया गया कथन है वो n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है, जहां लिख सकते हैं n बिलोंग करेगा कैपिटल n में। इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि दिया हुआ कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, दैट इज क्लियर। तो अपन ने 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें, जो रेड बटन है उन पे जाके क्लिक कर दें, और उस पे उसके पास में एक बेल आइकन है उनको उनके ऊपर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ, जय हिंद जय भारत।